हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द कोलराउस फ्लो। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आल्सो एक्सप्लेन द डाइल्यूशन विद मोलर कंडक्टिविटी एंड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो एक्सप्लेन क्लियरली बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लो। क्लियर? देखिए बेटा, इन दिस कोलराउस लो फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ फ्लोट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, AgNO3, N2SO4, CH3COOH, NH4OH। कोलराउस ने क्या किया, ग्राफ प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट कंसेंट्रेशन फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, AgNO3, NH2SO4, CH3COOH और NH4OH। इनके लिए जो दोनों में रिलेशन हुआ है, इनके लिए तो पंखु क्या हुआ है, डिक्रीज होती हुई क्या मिली है उनको, एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली है? डिक्रीज होती हुई स्ट्रेट लाइन। एंड फॉर दीज टू इलेक्ट्रोलाइट वी ऑब्टेन द कर्व लाइन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ वी कंक्लूड दैट दोज इलेक्ट्रोलाइट विच हैव द स्ट्रेट लाइन रिजल्ट बिटवीन द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसेंट्रेशन दीज आर कोल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दीज आर कोल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दोज हैव कर्व लाइन फॉर द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट कंसेंट्रेशन दीज आर कोल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द कोलराउस लॉ। क्या होता है ये? कोलराउस लॉ। अब इस कोलराउस लॉ को कोलराउस ने एक इक्वेशन से एक्सप्लेन किया। इससे क्या बेटा, इक्वेशन से एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटली, जिसको कैसे लिखेंगे अपन, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। क्या लिखा अपन ने, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। लैम्डा इनफाइनाइट एम मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बी इज द कॉन्स्टेंट, रूट सी इज द कंसंट्रेशन, दैट मीन्स स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन, राइट। लैम्डा एम क्या हुआ मेरे पास में, मोलर कंडक्टिविटी एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, राइट। लैम्डा इनफाइनाइट एम इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी इक्वल टू कंसंट्रेशन। That means कोलराउस law explain the result of this graph according to this equation. That is lambda m is equal to lambda infinite m minus b root c. But theoretically, this is obtained practically. इसको अपन ने कैसे obtain किया बेटा? Practically obtain किया इसको, right? But theoretically the result of this graph not explained by this equation. Theoretically, result of this graph does not explain by this equation. Then, a scientist, that is Onsager, एक scientist हुआ, Onsager, जिसने इस equation को modify किया, इसको कहते हैं Onsager equation.
क्या किया बेटा, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली नॉट अप्लाई या नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस ग्राफ. नाउ ओनसेगर प्रपोज्ड ए क्वेश्चन इन द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस, सेम इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इतना 82.48 अपॉन डीटी की पावर 1/2 प्लस 8.48 इंटू 10^5 अपॉन डीटी की पावर 3/2, यहां पे ईटा और है डीटी की पावर 1/2 ईटा एंड लैम्डा इनफाइनाइट रूट सी. इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस 82.48 अपॉन डीटी पावर हाफ ईटा प्लस 8.20 इंटू 10^5 डीटी पावर 3/2 लैम्डा इनफाइनाइट रूट सी. दैट इज कॉल्ड ओनसेगर इक्वेशन. दैट इज कॉल्ड ओनसेगर इक्वेशन. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मॉडिफाई किया तो यहां पे अगर अपन गौर करें तो ये जो आपका बी कॉन्स्टेंट था, बी क्या था बेटा, कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को मॉडिफाई किया क्योंकि इस कॉन्स्टेंट का कोई एक्सप्लेनेशन ओल्ड हाउस के पास नहीं था. देन ओनसेगर आल्सो मॉडिफाइड दिस बी कॉन्स्टेंट इन फॉर्म ऑफ दिस पैकेट, राइट, वेयर एज डी इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. Dielectric constant for solvent. Dielectric constant for solvent. Eta is equal to viscosity. Eta is equal to viscosity. T is equal to temperature. T is equal to temperature. T is equal to temperature. D is equal to dielectric constant for solvent. Eta is equal to viscosity. And T is equal to temperature. Clearly, this is the Onsager equation. You have to learn karni hai. For example, it is very, very important. Lambda M is equal to lambda infinite M minus 82.48 upon dt की हाफ ईटा प्लस 8.20 इंटू 10^5 dt की पावर 3/2 लैम्डा इनफाइनाइट रूट सी. दिस इज द ओनसेगर इक्वेशन. दिस इज द ओनसेगर इक्वेशन. वेयर एज डी इक्वल टू डेल्टा कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट, ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी एंड टी इक्वल टू टेम्परेचर. नाउ दिस इक्वेशन आल्सो मॉडिफाइड This equation also modify that lambda m is equal to lambda infinite m minus a plus b, a plus b lambda infinite root c. Equation को देखो आप, lambda m, lambda infinite m, then capital A. So this value also replaced by capital A and this value also replaced by capital B and lambda infinite and root C. इसको अपन ने इस टाइप से अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं. क्लियर बेटा, दिस इज द ओनसेगर इक्वेशन विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलराउस लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन we can say that in this graph we obtain the two type of relation, that is the straight line, that is the straight line
क्या हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों है अपने पास में क्या है, कर्व लाइन, क्या है, कर्व लाइन, राइट। देन वी फाइनली कंक्लूड दैट द ग्राफ रिजल्ट फॉर दीज रेक्टोलाइट एज स्ट्रेट लाइन बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन, देन दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रेक्टोलाइट। क्या कहेंगे इनको बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड दो इलेक्ट्रोलाइट विच ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन एज कर्व लाइन, देन कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बेटा। सो नाउ फॉर कोलडॉफ्स लॉ वी एक्सप्लेन क्लियरली विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन एज दिस लॉ। क्लियर। तो कोलराउस लॉ अगर आपके पास में आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है कि जो आपकी इक्वेशन है, ध्यान देना बेटा, एज एग्जाम बता रहा हूं मैं, कोलराउस लॉ में आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख के आनी है लैम्डा एम स्क्वायर टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी, ये इक्वेशन लिख के आनी है और ये ग्राफ बना के आना है, और लास्ट में लिख के आना है कि इस ग्राफ से अपन क्या समझा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझा सकते हैं। क्लियर बेटा। ये आपको किसमें लिखना है, कोलराउस लॉ में लिखना है, और आपको अगर कौन से अगर पूछे तो आपको ये इक्वेशन लिखना है। क्लियर हो गया बेटा यहां पर। तो ये आपकी आज की क्लास में अपन ने कोलराउस लॉ को क्लियरली एक्सप्लेन किया, जिसकी हेल्प से अपन को क्लियर हो गया कि आपका मोलर कनेक्टिविटी के बेस पे कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। दैट इज क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियरली समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।